अब 1948 में जो देश था ही नहीं, वहां पे आप कहिएगा कि यहाँ विभाजन होगा, यहाँ इजराइल भी रहेगा तो बवाल होगा। तो इन अंग्रेजों ने क्या किया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ये लोग जहां मार करते थे वहां पर इन्होंने अपना एक मुखौटा रख दिया था, उसका नाम है यूएनओ। आज भी ये यूएनओ फेमस है किसी भी चीज को बर्बाद करने के लिए। 1948 का हम लोग का कश्मीर इशू अभी तक इस गधे से सॉल्व नहीं हो रहा है। इतना पागल संस्था है कि किसी चीज को ये चौपट कर देगा यूएनओ में। तो जानबूझ के इन्होंने मुसलमानों से कहा कि चलो चलो तुमको हम यूएनओ में ले जाते, वही फैसला करेगा। बचपन में आप कहानी सुने होंगे कि किसी ब्रेड के लिए दो बिल्ली लड़ रही थी तो बंदर आया, उनको फैसला करने सारा ब्रेड अपने खा लिया। तो यूएनओ ने कहा कि देखो भैया, जो बेलफोर डिस्क्लेरेशन है उसके तहत इजराइल बनेगी, और इसने एक मील आयोग को बना दिया और इसने कहा कि देखो भैया इजराइल बन जाएगा, और इजराइल की स्थापना कर दिया 14 मई 1998 को। इस दिन इजराइल की स्थापना हो गई। जो फिलिस्तीन पूरा फिलिस्तीनियों का था, जो मतलब वहां मुस्लिम लोग रहते थे, उसको इन्होंने डिवाइड कर दिया 1948 में, और क्या कर दिया 48% दिया फिलिस्तीन को, 48% फिलिस्तीन को दिया, 44% इजराइल को दिया। यहां पर देखिए, जबकि इजराइल का यहां पे उस समय तक नहीं था यहां पे। उसके बाद क्या किया, जेरूसलम जो राजधानी थी उसको कहा कि देखो ना ये फिलिस्तीन की राजधानी रहेगी ना ये इजराइल की राजधानी रहेगी, ये यूएनओ के कंट्रोल में रहेगा, 8% का एरिया यूएनओ के कंट्रोल में। जैसे ये बात हुआ, अरब देशों ने कहा कि हम ये होने नहीं देंगे, फिलिस्तीन ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मार होगा, ससुरा स्टार्टिंग स्थापना हुआ, युद्ध चालू हो गया। वो तो भारत भी झेल चुका है, 1947 में आजाद हुए मार हो गया, पहली लड़ाई 1947-48 की थी हम लोग की, वही इसके साथ हुआ। इसराइल ने इन लोग को पकड़ के धो दिया, 6 देश आए थे लोग मारने, सबको पकड़ के धो दिया। रीजन क्या है कि ये लोग जो अरब देश के मुस्लिम कंट्री थे, ये जंग लड़ रहे थे जंग को जीतने के लिए, जबकि इसराइल के यहूदी लोग जंग लड़ रहे थे अपना अस्तित्व बचाने के लिए। उन्हें पता था कि अगर ये युद्ध हारेंगे तो हम ये युद्ध नहीं हारेंगे, ये पृथ्वी हार जाएंगे, फिर हमें कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए वो युद्ध को जीत गए। अब यहां पर यूएनओ को क्या मतलब बना कि जेरूसलम पर अपना कब्जा रखने का, तो इसके लिए कारण है जेरूसलम 3 धर्मों का पवित्र स्थल है। जैसे बात समझिए, यहां जो लड़ाई है वो मेन लड़ाई है हमारी जमीन की तुम्हारी जमीन। तो पहले तो यहां 100% फिलिस्तीन था, ये जो ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं 1948 से पहले ये 100% फिलिस्तीन था। बाद में आप देखेंगे 1948 में यूएनओ ने इसका पार्टीशन किया, तो अब देखिए ये ग्रीन वाला फिलिस्तीन ऐसा रह गया। और जानबूझ के यूएनओ ने एक ऐसा ड्रामा रचा कि आगे जाके लड़ाई होगी। देखिए आधा फिलिस्तीन यहां दिया है, थोड़ा सा यहां दे दिया है, बीच में पतला रास्ता दिया है, थोड़ा सा यहां दिया है, बीच में पतला रास्ता। इन लोग का पहले से प्लान था, ऐसे ही इन लोगों ने पाकिस्तान को बांटा था, एक और इधर पाकिस्तान एक और इधर पाकिस्तान, जिसको आगे चल के हम लोगों ने बांग्लादेश में तोड़ दिया। यही काम किया इजराइल ने, जानबूझ के इजराइल को कहा गया था कि भैया तुम आगे जाके तोड़ोगे तो ये क्षेत्र आ जाएगा, उधर वो क्षेत्र आ जाएगा। फिर अगले साल इजराइल ने ऊपर वाला घोट लिया, देखिए इजराइल खत्म, अब फिलिस्तीन यहां बच गया, यहां बच गया। उसके बाद धीरे धीरे देखिए इसमें भी धीरे धीरे कब्जा करना इजराइल चालू कर दिया। तो इजराइल ले देखे 12% फिलिस्तीन बचा है, तो जो फिलिस्तीन पहले 100% था अभी वो 12% और पूरा इजराइल उस पर कब्जा कर रहा है। तो फिलिस्तीनियों का एक तो मेंटली भाई किसी का भी मोरल गिरेगा कि नहीं कि हमारा देश तुम हमी को पीट रहा है। और इजराइल ने अलग अलग नियम बना रखा है, फिलिस्तीन के लोग हथियार नहीं रख सकते, एयरफोर्स नहीं रख सकते, आर्मी नहीं रख सकते, ये लोग मतलब नेवी नहीं रख सकते, और ये सब कुछ रखता है इजराइल। और जो हमला हो रहा है वो बेसिकली हमला इस गाजा पट्टी से हो रहा है, अभी आगे समझाएंगे, वो भी हमला हो रहा है और वो हमास कर रही है, आर्मी नहीं कर रही है, हमास वहां के हिसाब से एक आतंकवादी संगठन है इजराइल के हिसाब से, वो हमला कर रही है, न कि फिलिस्तीन की आर्मी। फिलिस्तीन वालों के पास पत्थर रहता है मारने के लिए, और हमास जो है आतंकवादी संगठन वो रॉकेट मारता है। ओवरऑल आप कंसेप्ट समझिए, इजराइल जानता है कि ये लोग कमजोर देश है, इन्हें उत्तेजना दिलाओ और जैसे ये लड़ने के लिए आएंगे मारो भयानक, जमीन कब्जा लो। और ये लोग जरूर ये लोग समझेंगे नहीं, लोग ये लोग ताव में आ जाएंगे तुरंत। इतना बड़ा था फिलिस्तीन, देखिए फिलिस्तीन समेटते गया, वो काला वाला एरिया जो है वो यहूदी का है, मतलब वो इसराइल है। धीरे धीरे देखिए ये निपट गए, इतनी सा बचे हैं, लग रहा है बस प्रसादी के हिसाब से बचे हैं। देखिए इतना पहले पूरा था, इतना हो गया। अब इसराइल का मेन कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। इसराइल कहता है कि भाई फिलिस्तीन वालों को हम तोरा उकसाएंगे, कोचेंगे, और तू कोचा जाएगा, तू आएगा पत्थर मार दे, हम फोड़ देंगे, तुमको तबाही करेंगे। हमास खूब से खूब करेगा तो गली मोहल्ले पे हमला कर देगा, कार और जला देगा, यही रॉकेट में करेगा, और उसके बाद से उसके पास एयरफोर्स है, वो आएगी मारेगी और जमीन कब्जा करेगी। जब जब लड़ाई हुआ है तब तक हार फिलिस्तीनियों की हुई है और उत्तेजना होगी यहां पर।